महावीर दिगंबर जैन मंदिर टीटी नगर में जैन मध्यस्थता और समाधान केंद्र का शुभारंभ भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। पूर्व में मध्यस्थता एवं समाधान केंद्र हबीबगंज जैन मंदिर में भी चलायमान है। मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से जैन समाज के साथ साथ अन्य समाज के समाज बंधु भी न्यायिक प्रक्रिया संबंधी निःशुल्क जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकेंगे। इससे सभी विवादों को सुलझाने में समय और अर्थ की बचत होगी। रविवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वरिष्ठ न्यायमूर्ति जस्टिस एन के जैन, न्यायमूर्ति अभय गोहिल, न्यायमूर्ति विमला जैन और न्यायाधीश डी के जैन अपनी सेवाएं देंगे। इस अवसर पर दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रमोद हिमांशु, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ललित जैन, मंदिर समिति के अध्यक्ष अमर जैन सहित अनेक समाजजन मौजूद थे। पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर सके कि भाई आप ही इनको थोड़ा समझाइएगा, ये आशय के साथ है। जब वो आवेदन हमारे पास आता है तो हम सामने वाले को एक सूचना भेजते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये कोई न्यायालय नहीं है। यद्यपि इस समाधान केंद्र की इस कंसिलेशन प्रोसेस की, आर्बिट्रेशन प्रोसेस की या मीडिएशन प्रोसेस की कानूनी मान्यता है, इस समाधान केंद्र में अगर कोई निर्णय हो जाता है, फाइनली समझौता हो जाता है और जो समझौता राइटिंग में रिड्यूस हो जाता है तो वो किसी जिला कोर्ट की डिग्री से कम नहीं है। लेकिन देखिए, ना तो कोई कोर्ट फीस है। आएंगे हम, दोनों को समझाएंगे, हम दोनों के परिवारों को भी बुलाएंगे, उनको भी समझाएंगे। ये उसकी एक सीधी सादी प्रक्रिया, एक 96 में कानून पास हुआ है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन है, उसी के तहत ये कार्रवाई शुरू हुई है और ये एक तरह से विकल्प ढूंढा गया है, अदालतों का विकल्प भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।